तेलंगाना न्यूज़ स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं चंद तफसीलात। आइए देखते हैं मक्का मस्जिद से हमारे खसूसी नुमाइंदे से तौफीक अहमद की एक खसूसी रिपोर्ट। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, तेलंगाना न्यूज़ टुडे से मैं सैयद तौफीक अहमद फ्यूचर इंडिया ग्रुप की जानिब से हर रोज़ इस तरीके का इफ्तारी का इंतज़ाम किया जा रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं जिस तरीके के ये बॉक्सेस बनाए गए हैं, ये बॉक्सेस करीब जो है 1000-1500 बॉक्सेस तैयार होते हैं, जो हर मसाजिद के अंदर इसको रोज़े से पहले इसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नाज़रीन, बोलने और बताने का मकसद ये है कि फ्यूचर इंडिया ग्रुप कंपनी की जानिब से पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू हर रमज़ान उल मुबारक के मौके के ऊपर इस तरीके का ये लोग ने इंतमाम करते हैं। इसके अंदर जिस तरीके की ये लोग पैकिंग करते हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। ये लोगों ने रोज़ों और दारों के लिए जिस तरीके का इंतज़ाम करते हैं, इसके अंदर पैकेट के अंदर मैं आपको जहाँ तक ये मैं बताने की कोशिश करूँगा कि इस तरीके का बॉक्स रहता। आइए देखिए जिस तरीके का बॉक्स यहाँ पर पैक किया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर खाने पीने के अशाई रहते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर इस तरीके के डेली के जो है मक्का मस्जिद के अंदर और तमाम मसाजिद के अंदर इन लोगों का काम चल रहा है। आइए देख सकते हैं जिस तरीके का यहाँ पर काम के लिए यहाँ पर हमारे एरिए के कॉरपोरेटर अली जनाब मोहम्मद गौस साहब के फर्मर जनाब साहिल साहब भी यहाँ पर मौजूद है। इनकी ज़ेरी निगरानी में ये मक्का मस्जिद के अंदर हर दिन इस तरीके की जो है पैकिंग के ज़रिए रोज़दारों की इफ्तारी का जो इंतजाम कर रहे हैं। फ्यूचर इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनी को तेलंगाना न्यूज़ टुडे सलाम करती है। ऐसे कंपनीज, ऐसे लोग जिन्होंने जिस तरीके का रोज़दारों के लिए जिस तरीके का इंतज़ाम करते हैं, हैदराबाद के अंदर कई ऐसे मसाजिद के अंदर इनका इफ्तार से पहले ही इनका इंतज़ाम होता है। ऐसे पैकेट्स बनाते हैं और इफ्तार करने से पहले रोज़दारों को जो है इनके ज़रिए इस तरीके की पैकिंग कराते हुए हाइजेनिक पैकिंग बिल्कुल नीट तरीके से इस तरीके का काम ये लोग ने करते हैं। तेलंगाना न्यूज़ टुडे आपको ज़ीरो ग्राउंड से ये रिपोर्ट बता रही है कि जिस तरीके का ये काम है, ये काबिल मुबारकबाद है। ऐसे कंपनियाँ और इनके साथ जो हमारे एरिए के कॉरपोरेटर के फर्जन जनाब साहिल साहब जो ये लोगों का साथ देते हुए खांधे खांधा लगा के यहाँ पर ये लोग मक्का मस्जिद के अंदर ये टीम जो है ये लोग दिन के 2 बजे से इस काम के अंदर जुड़ जाते हैं और ये लेके आते हैं इस तरीके के ऑटो के अंदर ला के यहाँ पर पूरे मस्जिद के अंदर जितने भी रोज़ेदार हैं उनको इफ्तारी कराते हैं। भाई सैयद तौफीक अहमद मक्का मस्जिद से। ठीक है, जिस तरीके से फ्यूचर इंडिया ग्रुप ऑफ कंपनी से रोज़ के जो है हज़ारों की तादाद में ऐसे डब्बे बनते हैं जो हर मसाजिद के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जाता है, यहाँ मक्का मस्जिद के अंदर मोहम्मद गौस साहब के फर्जंद जनाब साहिल अकबर के हाथों ये फ्यूचर इंडिया ग्रुप का जो इफ्तारी का किट है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ मक्का मस्जिद के अंदर चल रहा है। यहाँ पर हज़ारों लोग यहाँ पर बाहर के ममालिक से सफ़र के लिए आए हुए होते हैं, उनके लिए यहाँ पर जिस तरीके का इंतज़ाम किया जा रहा है फ्यूचर इंडिया ग्रुप की जानिब से,
आप देख सकते हैं मक्का मस्जिद के मनाजिर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इफ्तारी का जो मंज़र है, यहाँ पर जिस तरीके के लोग यहाँ पर जो बाहर से आए हुए रहते, जो रोज़ा रहते, वो लोग आके यहाँ पर इफ्तारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे साहिबीन जो अहल खैर हजरात के जो लोग होते हैं, उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम करते हैं इफ्तारी का, देखें आप जैसा कि जिस तरीके की पब्लिक है यहाँ पर, जो आलम है, हर एक को कुछ ना कुछ मिलता है। यहाँ पर अहल खैर हजरात की जानिब से जो इफ्तारी यहाँ पर दी जाती है, देखिए भाई आगे ले 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 आगे आगे इधर आगे। ये नाजरीन देखिए जिस तरीके से फ्यूचर इंडिया की जानिब से जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन के काम के लिए जनाब साहिल अकबर जो मोहम्मद गौस साहब के फर्जंद हैं उनके हाथों से इस एरिए मक्का मस्जिद के अंदर देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हर दो आदमी के बीच में एक डब्बा दिया जाता है, ये साहिल जो मोहम्मद गौस साहब के फर्जंद हैं उनके हाथों फ्यूचर इंडिया ग्रुप की जानिब से डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। अरे बोल दो हो रहा है।